साहब, सिद्धांतवादी शहाबुद्दीन साहब जब से उनके साथ गए और जब तक उनका सांस नहीं निकला, समझिएगा इस बात को कितना मार्मिक है और कितना ताकतवर यह पॉइंट है कि जब से जुड़े और जब तक उनका सांस नहीं निकला तब तक उन्होंने किसी को दूसरा नेता नहीं माना। जब आरजेडी का हालात बहुत दुर्दिन था, बेहतर था, उस समय भी शहाबुद्दीन साहब ने कभी समझौता नहीं किया पार्टी से। बहुत पार्टी के वरिष्ठ लोग समय के अनुसार समझौता किए। छोट भैया ने, हम लोग नेता है, छोट भैया नेता, हम लोग आते जाते रहे हैं, हम लोग आते जाते रहेंगे। वरिष्ठ यहाँ के नेता लोग भी आए गए हैं, सब चीज को देखे हैं। वक्त के अनुसार सत्ता में थे तो सत्ता का मलाई छीले, सत्ता जब चला गया तो दूसरे सत्ता में भी लोग जा करके देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपको। बता दें कि बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और आगामी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां में सारी पार्टी जुट चुकी है, लेकिन बात करने वाले हैं आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता पार्टी की। तो बात करें तो आरजेडी के एक सिपाही रह चुके जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे वर्तमान में जो राजनीति माहौल बना हुआ है सिवान का, उसको लेकर ये क्या अपना बयान देते हैं और जिस तरह से यहाँ पे हिना साहब के साथ आरजेडी जिस तरह से पेश आ रही है उसको लेकर ये क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपके तमाम फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ उन मालिकों तक जा रही है, तमाम सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम है, सबका सलाम, सबका बहुत बहुत आभार, सबका अभिनंदन है। मुखिया जी, सिवान की राजनीति एकदम गरमाई हुई है, यहाँ पे अनुमान लगाना मुश्किल हो चुका है कि आगामी 24 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किससे अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। हालांकि इसके पहले जब चुनाव होते थे ये तय माना जाता था कि आरजेडी की ओर से शहाबुद्दीन का परिवार को ही टिकट मिलेगा, लेकिन अब उसमें भी आशंका जताई जा रही है, तो क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? नहीं, जिसका जनाधार है, सवाल यहाँ देखिए, लोकतंत्र में इन चीजों को देखा जाता है कि अब राजनीति का जो गुणागणित है कि किस आधार पे उसका गुणागणित कैलकुलेट जो किया जाता है, तो उसका जब आधार देखेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो जहाँ तक हमको अपना विवेक है, जहाँ तक हमें अपनी जानकारी या जो मेरी क्षमता या जो मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि जो आधार होना चाहिए कि आदरणीय हैना साहब चूँकि कदावर नेत्री हैं और बहुत मजबूत आधार है, वो हिंदू में भी मुसलमान में भी उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो स्वाभाविक है कि जिनका मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिनका मजबूत स्तंभ है, तो आने वाले समय में मजबूत दावेदारी उन्हीं की रहेगी। तो इसमें बहुत कहीं गुणागणित कुछ नहीं बनता है। अब तो विचार करना होगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जो पार्टी के शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, कि वह किस आधार पर निर्णय करते हैं। उनका अपना निर्णय करने का हो सकता है कुछ और अपना कैलकुलेशन तरीका हो, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं एक सिपाही होने के नाते या एक फॉलोअर्स होने के नाते, अगर आप सिपाही भी नहीं कहेंगे तो एक फॉलोअर्स होने के नाते, चूंकि शहाबुद्दीन साहब के हम लोग फॉलोअर्स रहे हैं और हैं, उन्हीं की धर्म पत्नी आदरणीय हैना साहब के फॉलोअर्स होने के नाते हम लोग जरूर कहेंगे कि एक मजबूत स्तंभ है हैना साहब का इस सिवान में, और सिवान की बात करेंगे तो वह थोड़ा सा बाटा लगेगा, पूरे बिहार में उनका एक मजबूत स्तंभ है। तो मुखिया जी, जितने भी बाकी से आप उनका सपोर्ट करते हैं, उनके बातों को रखते हैं, तो आरजेडी के कोई भी नेता सिवान का क्यों ना हो, जब हिना साहब का नाम लिया जाता है तो अपने आप को साइड कर लेते, उसको बोलने से इनकार कर देता, आखिर क्यों? देखिए, ऐसा उन लोगों को लगता होगा, परिस्थिति उनको ऐसा लगता है कि आरजेडी हिना साहब को दरकिनार कर रही है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि वह तलवार मेरे ही गर्दन पे आ जाए, हो सकता है। वैसे जो भी हमारे लीडर अगर कहीं भी जो सो बोलने में या अपनी बात को रखने में या उनके लिए वकालत करने में अगर कहीं संकोच कर रहे हैं, तो उनको ऐसा फीलिंग्स होता होगा कि हो सकता है कि वह तलवार मेरे ही गर्दन पे आ जाए। लेकिन समझना चाहिए, जिस शहाबुद्दीन ने, जब एक और हम आपके मीडिया के सामने हमने चर्चा किया था कि शहाबुद्दीन एक व्यक्ति का नाम अगर कहेंगे तो बाटा हो जाएगा। शहाबुद्दीन एक सिद्धांत है और सिद्धांत किस आधार पर उसको मैं बताना चाहता हूँ। हमको जब तक, हम लोग जब से देख रहे हैं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या आदरणीय लालू जी के साथ जब से शहाबुद्दीन साहब, सिद्धांतवादी शहाबुद्दीन साहब जब से उनके साथ गए और जब तक उनका सांस नहीं निकला, समझिएगा इस बात को कितना मार्मिक है और कितना ताकतवर यह पॉइंट है कि जब से जुड़े और जब तक उनका सांस नहीं निकला
तब तक उन्होंने किसी को दूसरा नेता नहीं माना, उनका अपना नेता लालू यादव ही उन्होंने माना, और हर वक्त संघ के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए हर वक्त सोचते थे। हम लोगों से भी जब वार्ता होती थी तो एक ही कहते थे कि हम लोगों के लिए पार्टी और संगठन सर्वोपरि है, उसके लिए सारा शक्ति लगाना है। और इसमें दो राय है, पूरा बिहार जानता है कि नहीं जानता है कि दुर्दिन में भी, जब आरजेडी का हालात बहुत दुर्दिन था, बेहतर था, उस समय भी शहाबुद्दीन साहब ने कभी समझौता नहीं किया पार्टी से। बहुत पार्टी के वरिष्ठ लोग समय के अनुसार समझौता किए। छोट भैया ने, हम लोग नेता है, छोट भैया नेता, हम लोग आते जाते रहे हैं, हम लोग आते जाते रहेंगे। वरिष्ठ यहाँ के नेता लोग भी आए गए हैं, सब चीज को देखे हैं। वक्त के अनुसार सत्ता में थे तो सत्ता का मलाई छीले, सत्ता जब चला गया तो दूसरे सत्ता में भी लोग जाकर के देखा है अपने वजूद को। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन था, वह केवल अपने लिए नहीं, वह जेल गए थे तो अपने लिए नहीं, आवाम के आवाज को मजबूती से प्लेटफॉर्म पर उठाते थे, उनके लिए लड़ते थे, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए। न उसने धर्म बटा था, न जाति बटा था, न मजहब बटा था। जो व्यक्ति आवाम के आवाज के लिए लड़ते लड़ते जेल जाना स्वीकार किया, और कभी वह व्यक्ति कभी किसी पदाधिकारी या कभी किसी आगे पीछे का उन्होंने अब व्यवस्था के पीछे वो नहीं गए, वो सीधा सीधा न्याय की उम्मीद पर जेल जाना पसंद किए। कानून को मानने वाले लोग थे, कानून को मानते थे, जेल जाना पसंद किए, लेकिन सिद्धांत से जो व्यक्ति समझौता नहीं किया, क्या समझते हैं आप? मुखिया जी, एक चीज और है कि राष्ट्रीय जो आरजेडी पार्टी है, इस पार्टी का आधार देखा जाए तो MI समीकरण, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि A to Z की पार्टी हम बनाने वाले हैं, तो कहीं MY का जो दाग लगा है, जो धब्बा लगा है आरजेडी पे, उसको धोने के लिए ही हुआ हिना सागर दरकिनार नहीं ना कर रहे हैं? देखिए, एक चीज पे आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, A to Z की पार्टी अच्छी बात है ना, सबका साथ हो और सबका विकास हो। तो अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह नारा, यह व्यवस्था दिया है, या उनके उनका अगर यह थीम है कि A to Z की पार्टी हो, तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन क्या A to Z में भी बेस की बात अब नहीं करेंगे? जिसकी जितनी भागीदारी है उसके उतनी हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप देख भी रहे हैं, पूरे देश में आरक्षण का जो व्यवस्था लागू किया गया है, वो चाहे अपर समाज के लोग हों या लोअर समाज के लोग हों, या अति पिछड़ाओं को जो आरक्षण दिया गया, उसका आधार क्या है? एक ही तो आधार है कि जितनी जिनकी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी के आधार पर। लोकतंत्र में भी, कानून में भी व्यवस्था दे दिया गया, तो या तो पार्टी का संगठन है, और पार्टी के संगठन में अगर आप कहते हैं कि A to Z की लोगों की भागीदारी हो, तो हिस्सेदारी की भी चर्चा करिए ना। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था ना कि अति पिछड़ाओं को आरक्षण दिया जाएगा, संगठन में भी क्या हुआ? संगठन में आप देख लीजिए ना, अभी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सूची जारी हुआ था, कितने अति पिछड़ाओं को जगह मिला है उसमें? किस अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, बता दीजिए जरा। तो इसमें तो अति पिछड़ा भी उपेक्षित है। जिस प्रकार माइनॉरिटी के लोग उपेक्षित हो रहे हैं, उनकी उतनी भागीदारी नहीं मिल पा रही है। और आबादी कितनी है? बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटी के समाज के लोगों का। वही स्थिति अति पिछड़ाओं का, अति पिछड़ा का भी बहुत भागीदारी है, बहुत हिस्सेदारी है। भागीदारी क्या है? शून्य। तो जब आप बात करेंगे भागीदारी की, वहां दरकिनार करिएगा, तो कैसे उनके लोग बर्दाश्त करेंगे? ऐसा लगता है कि बर्दाश्त करेंगे? तो हम तो कहना चाहते हैं कि आप कहिए, A to Z की व्यवस्था बनाइए। क्योंकि जब एक वृक्ष की हरियाली देखेंगे, हम पूर्व में भी चर्चा किए थे, एक वृक्ष की खूबसूरती और हरियाली को जब देखेंगे, तो जो डाली होता है ना, उसमें एक स्तंभ भी होता है। तो स्तंभ जिन लोगों का ताकत है, MY जो समीकरण की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ है, क्योंकि उनकी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी भी है। तो भाई, उन समाज के लोगों को जिनका भागीदारी होना चाहिए, आप दे दीजिए ना। यही तो बात हिना साहब करती हैं, यही तो वकालत करती हैं। एक साल हो गया आरजेडी में कुछ सही नहीं है सिवान में, और हिना साहब ने कुछ दिन पहले आके खुद बयान भी दी थी कि अभी हम न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में हम नहीं है। और जब आरजेडी द्वारा उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला जाता है, तो फिर समर्थकों में नाराजगी क्यों होती है, जबकि हिना मैडम न्यूट्रल है? तो देखिए, वो जो परिस्थिति था किसी भी एक महिला के लिए, बड़ी विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से उस समय आदरणीय हिना साहब गुजर रही थी। शहाबुद्दीन साहब, वो हमको लगता है कि 2-3 महीना पहले ही हम लोगों के बीच से
नहीं रहे तो एक वह बहुत बड़ा पेन था, बहुत उस समय का माहौल अजीब था। और उस समय जो प्रेशर पड़ा, उस समय जो राज्यसभा की जाने की जो चर्चा उनके चाहने वाले लोग पूरे बिहार के लोग कर रहे थे कि भाई शहाबुद्दीन ने जो अपना पूरा जो है सो न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए, तो जितना बड़ा त्याग किया पार्टी के लिए, एक परिवार के लिए, वह राष्ट्रीय जनता दल का जो परिवार था उसके लिए उन्होंने जान गंवा दिया। और उसके मेहनताना में अगर राज्यसभा की बात आती थी कि हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, और उनके फॉलोअर्स उनके बिहार के चाहने वाले लोग अगर कह रहे थे कि राज्यसभा हैना को, हैना साहब को भेजा जाए, तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहे थे, लोगों का कोई मांग तो पाप तो था नहीं, तो उस स्थिति परिस्थिति में हैना साहब को तो भेजना चाहिए था। अब कौन सी स्थिति ऐसी परिस्थिति बनी कि हैना साहब को नहीं भेजा गया? जब नहीं भेजा गया तो स्वाभाविक है कि उनके चाहने वाले लोग नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो अपने नेता से सवाल तो करेंगे ही कि भाई हम आपके लिए खड़ा रहते हैं, और हमारे जब अधिकार की बात है तो वही तो अधिकार है। हेना साहब को जब राज्यसभा भेजे होते तो समाज के लोगों का अधिकार तय हो जाता। तो आप तो पैसा वाले व्यक्ति को भेज दिए, और क्या उसका क्या ग्राफ है बताइए, उनका ग्राफ क्या है जिनको राज्यसभा भेज दिए? कितने बिहार में उनको जानने वाले लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, और जिनका ताकत है, जिनके बिहार के कोना कोना में जानने वाले लोग हैं, आप उनको दरकिनार कर रहे हैं। अभी एक घटना हम लोग बताए थे अभी आज से अमूमन एक माह पहले हम लोग गए थे ना, एक माह ये हम लोग दाऊदपुर गए थे, गजब का प्यार था लोगों का। तो भाई जो आदमी इतना बड़ा कुर्बानी दिया है उस परिवार, उस संगठन, उस पार्टी के लिए, उसके साथ न्याय तो करिए, यही नाराजगी है ना। तो कौन सा गलत नाराजगी है, कौन सा गलत जैसे उनके कार्यकर्ताओं का डिमांड है भाई? पार्टी से न्यूट्रल होने के बाद जब निकाला जाता है तो फिर दिक्कत क्यों होता है? पार्टी सबको अपने आप को न्यूट्रल बता रही है मैडम, और जब पार्टी ने उनको कार्यकारी समिति से निकाल दिया तो फिर समर्थकों में नाराजगी क्यों है? अभी देखिए उस पर, अभी चूंकि जो मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अभी हम न्यूट्रल हैं, उनका यही जो बयान था ना, आप उसको जिस सेंस में लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने इस सेंस में लिया मीडिया के साथ ही, या कुछ आवाम लोगों ने, आवाम ने यह सेंस में लिया कि मैडम पार्टी से रिजाइन कर दी, मैडम पार्टी को छोड़ दी, यही सेंस है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जो परिस्थिति था उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कहा कि अभी हम न्यूट्रल हैं, बिहार के लोगों में जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, लोगों का जो राय आएगा, लोगों का जो जो है सो जो जो है सो मशवरा आएगा, उस आधार पर हम निर्णय लेंगे, निर्णय की बात थी। अब उसको लेकर के नाराजगी तो स्वाभाविक है कि भाई जगह भी नहीं दे रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, आप जो है सो आपको तो मनाना चाहिए। आप देखे नहीं मनजीत सिंह जी नाराज हुए तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना दूत भेज देते हैं लेसी सिंह जी को, और माननीय विधायक लोग जाइए, परिवार के लोग उनको मनाइए, और परिवार में एक साथ रहा जाता है तो मतभेद हो जाता है। लेकिन यहां अभी तो हम लोगों को नहीं दिखा, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता उनके चाहने वाले लोग नाराज होंगे। आ जान लीजिएगा नाराजगी अगर यहीं बना रहा, आ कहीं अगर मैडम ने ट्रेंड अपने लोगों के राय और अपने लोगों के ताकत के अनुसार अगर कुछ दूसरा ट्रेंड लिया तो बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस चीज को भले कोई माने नहीं माने, वक्त आएगा तो मालूम चल जाएगा कितना बड़ा नुकसान। ये चीज है कि बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री सिवान में आते हैं, और जब मीडिया उनसे सवाल करते हैं तो पहले ही वो लोग बोल देते हैं कि इस टॉपिक पे सवाल आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि तो लोग बोलते हैं कि 24 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो केवल वोट के समय ही सब कुछ ठीक होगा या बीच में भी? चूंकि मंत्री वाला पद हो सकता है कि चला जाए उस लालच में। इस परिवार को तो वैसा नहीं रहा, इस परिवार को तो ना विधायक ना सांसद और ना मंत्री, कभी उस परिवार को ऐसा नहीं रहा। उस परिवार ने लोगों को विधायक बनाने का काम किया है। आदरणीय हैना साहब ने अभी भी, आप रघुनाथपुर की चर्चा कर लीजिए, हम लोग उस समय थे, रघुनाथपुर के माननीय विधायक हरिशंकर यादव का टिकट जानते हैं एंड एंड में फाइनल हुआ। आदरणीय लालू जी कह रहे थे ना कि हैना टिकट लेकर लड़ जाइए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं साहब का दिया हुआ वचन था, हरिशंकर यादव जी को विधायक साहब ने बनाया था। तो भाई वह उस फैसला में कैसे बदल सकता है? तो जो आदमी इतना बड़ा, जो परिवार आदरणीय शहाबुद्दीन साहब ने लोगों को माननीय शांत माननीय विधायक और माननीय मंत्री बनाने का कार्य किया, वो परिवार कभी अपने लिए नहीं। और देखे भी होंगे जितना भी मामला हुआ था शहाबुद्दीन साहब के ऊपर, वो मामला कोई व्यक्तिगत उनका था, अपने परिवार के लिए थोड़े ना मामला हुआ था, अपने बेटा बेटी के लिए मामला थोड़े ना हुआ था, आवाम के हक के लिए किसी के साथ कोई न्याय होता था, कोई लड़ाई होती थी, लोग याद करते थे शहाबुद्दीन साहब स्टैंड करके उनके साथ न्याय के लिए लड़ते थे, यही तो उनकी गलती रही है।
अगर वो अभी चापलूसी किए होते तो हमको तो नहीं लगता कि को केस राजा था। और वरिष्ठ मुख्यमंत्री स्तर के लोगों का भी संदेश गया था कि केवल आप व्यवस्था बदलिए, आप मेरे साथ आइए, आपका सब केस सुहा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं। इसलिए हम लोग कहते कि शहाबुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत का नाम है। और देखे होंगे ना तमाम लोग, राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल भी समझौता कर लिया जाकर के जेडीयू से, 2015 में भी समझौता हुआ, अभी भी समझौता करके ये लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने कभी समझौता नहीं किया। आप सरकार के लिए समझौता करिए। और शहाबुद्दीन साहब यही कहे थे ना कि हमारे नेता लालू जी हैं और मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों का तो कौन सा गुना था, परिस्थिति वैसा बना था, हालात वैसा बना था तो मुख्यमंत्री बने। एक क्वेश्चन मुखिया जी यहाँ पे उठता है कि शहाबुद्दीन करीब 15 वर्षों तक जेल में रहते हैं और एक वर्ष जेल में रहने पर इंसान फील होता है क्या बीतता है, 15 साल उतना बड़ा सजा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर आते हैं उसके बावजूद भी अपना नेता वो लालू प्रसाद यादव को बताते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया हीना मैडम के साथ कि राज्यसभा नहीं भेजा गया, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी आ गई, पुतला तक फूका जाने लगा, शहाबुद्दीन ये गलती नहीं करते थे, हीना मैडम क्यों ये गलती करते? जो आप सवाल कर रहे हैं ना बॉस, यही आवाम का सवाल है और जन जन तक इस बातों पे चर्चा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जान कुर्बानी दे दी पार्टी के लिए, 1 साल 2 साल नहीं पूरा जीवन कुर्बान कर दिया उन्होंने, आज अगर वह जेल नहीं होते, वह बाहर होते, किसी दूसरे पार्टी में जाकर के मलाई छील के अगर बाहर होते तो उनका तबियत नहीं खराब होता, स्वाभाविक है। और जब तबियत नहीं खराब होता तो उस हॉस्पिटल में नहीं जाते, अपने अनुसार रहते, तो अपने परिवार के साथ रहते, सिवान के आवाम के साथ रहते। लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और कुर्बानी दे दिया पार्टी के लिए, और कुर्बानी के एवज में क्या दे रहे हैं आप लोग? चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं आप, यही चाहते हैं कि हैना साहब का चैप्टर क्लोज हो जाए। तो जो लोग अगर ऐसा चाह रहे हैं वो भ्रम पाल के बैठे हुए हैं, वो आदमी भ्रम पाल के बैठा हुआ है। शहाबुद्दीन साहब के लोग पूरे बिहार में है, कयामत आ जाएगा अगर कुछ निर्णय उससे अलग हुआ मैडम के द्वारा, अगर कुछ निर्णय लिया, कौन सा निर्णय लेंगे मैडम के ऊपर है, हम लोग को कहीं कुछ नहीं जानकारी है और ना हम लोग कुछ उस पर बोल सकते हैं। उनको निर्णय लेना, उस सर्वमान्य नेता है, उनके पास अपना सूझ है, अपना बूझ है, जो निर्णय लेंगे सिवान के आवाम के लिए निर्णय लेंगे, अपने चाहने वाले लोगों के लिए निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे अगर निर्णय पॉजिटिव रहा इस पक्ष के तरफ तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ निर्णय अलग हुआ तो बहुत बड़ा खमियाजा राष्ट्रीय जनता दल को उसका भुगतना, सब लोग जान रहे हैं इस बात को, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जान रहा है, सब लोग इस बात को जान रहा है कि जिसने अपनी जान कुर्बान, अपनी जो जान न्यौछावर कर दिया उस व्यक्ति को, एक राज्यसभा की बात क्या मतलब रखता है, राज्यसभा कौन बड़ा बात है, ताकत बढ़ जाता बिहार में। माइनॉरिटी के लोग कहते कि शहाबुद्दीन ने अगर कुर्बानी दिया है तो उनके साथ पार्टी ने भी त्याग करके उनको सदन में भेजने का कार्य किया है, ये होना चाहिए था। मुखिया जी एक क्वेश्चन यहाँ पे और के MY समीकरण आधार है RJD का, अगर यहाँ से M निकल जाता है तो क्या लगता है कि M निकलेगा तो AIM के लिए फायदा होगा, AIM मजबूत होगा बिहार में? देखिए हम बताना चाहते हैं, जैसे माइनॉरिटी के लोग निकलते हैं, जैसे माइनॉरिटी के लोग अगर उससे अलग होंगे बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ा, अब इसका अंदेशा लगाना, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल, वही बता तो रहे ना, इसका अंदाजा लगा, ऐसा नहीं है अगर कोई अगर ऐसा सोच के बैठा है कि उनके रहने नहीं रहने से माइनॉरिटी के लोग रहेंगे, तो जो अपना नेता मानता है ना उसके लिए सब ताकत लगा देगा, अपनी जान की ताकत लगा करके अपने नेता के लिए लड़ेगा। तो हम तो गुजारिश करेंगे अभी भी, कभी भी वक्त है, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सम्मान दिया जाए। हम तो हर वक्त वकालत करते हैं, हम लोग तो सिपाही हैं और हम लोगों क्या है, हम लोग सिपाही अपने अपने नेता के प्रति अपनी बात को रख रहे हैं, हो सकता है यह बात रखने में कुछ गलत हो कुछ सही हो जो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो मेरा विवेक है जो मेरे पास क्षमता है हम तो यही कह रहे हैं ना कि अपने नेता के सम्मान के लिए, और वह किसके लिए, उस परिवार के लिए नहीं, हैना साहब के लिए नहीं, हैना साहब को किस चीज की जरूरत है जी, शहाबुद्दीन साहब का नाम ही काफी है पूरे देश में, उनके चाहने वाले जो लोग हैं और जिनकी भागीदारी जितनी है हिस्सेदारी दे दीजिए, उनको सम्मान के साथ जगह दीजिए, कैबिनेट में आप मिनिस्टर बनाइए। हम तो कहेंगे कि अभी सरकार आपकी है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपके परिवार के अंग हैं, ये हैना साहब आपके परिवार के अंग हैं, उनको आप मंत्री बनाइए,
कैबिनेट में जगह दीजिए, देखिए आपका ताकत कितना बढ़ता है, पूरे बिहार में ताकत बढ़ेगा, पूरे बिहार में ताकत बढ़ेगा, हम दावा के साथ कहना चाहते हैं। अगर ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो देखिएगा पूरे बिहार से आपका ताकत कमजोर होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं कि नहीं कमजोर होगा। तो हम तो गुजारिश करेंगे, करजोर प्रार्थना करेंगे कि उनको कैबिनेट में जगह दीजिए, मंत्री पद दिया जाए, राज्यसभा की जब बात आएगी तो देखा जाएगा। अभी आपकी सरकार है, इसलिए कह रहे हैं कि आप उनको मंत्री बनाइए, चूंकि वह व्यवस्था है संविधान में, वैसा जगह भी है, हो भी सकता है, तो आप मंत्री बनाइए आदरणीय हेना साहब को, और बिहार का माइनॉरिटी और बिहार के शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग, वो माइनॉरिटी समाज से हो, हिंदू से हो, मुसलमान से हो, अपर हो, लोअर हो, तमाम सभी लोगों का ताकत आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम तो यही गुजारिश करना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आ कुछ गलती हो गया होगा तो क्षमा भी चाहते हैं, हो सकता है कि हमारी बात हमारे आपके फॉलोअर्स या हमारे जानने वाले लोग अगर कुछ गलती लगा होगा तो क्षमा चाहेंगे, चूंकि जो विवेक है और आप पूछ रहे हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, तो बेबाकी के साथ जो आता है वो हम अपनी बात को रख देते हैं। धन्यवाद।